ओ भाई साहब नीचे बैठ जाओ, हेलो त्यागी जी बैठो यार, ओ त्यागी जी बैठो, हाथ थोड़ा है मुकेश, त्यागी जी बैठो, ओ त्यागी जी साइड हो यार, अरे कैमरे वाला वो बाहर ही रोकना इनको, अरे जितने जितने कहाँ जा रहे हो, अरे क्यों ले रहे यार गाड़ी वहाँ पे, अरे यार साइड हो, सलमान खान, अरे लड़ धक्का मार रहे साइड बैठो, क्या करूं, सहगल सोबत आहे, म्हणजे तीन कलाकार इथे पोहोचले आहेत, सैफ अली खान, सहगल आणि नीलम, म्हणजे तीन कलाकार इथे पोहोचले आहेत, अपील फाइल करनी होगी और अपील में अपना सेंटेंस सस्पेंड करवा के न्यायालय के सामने उस एक महीने के पीरियड के अंदर पेश कोर्ट ने सलमान अगर तीन साल से ज्यादा हुई तो, और अगर तीन साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो यहाँ से बेल नहीं मिलेगी, देन ही विल हैव टू फाइल एन अपील बिफोर विच कोर्ट, बिफोर द सेशंस कोर्ट अलोंग विद द, उसमें कितना टाइम लगेगा सर, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, इट्स अप टू हिज लॉयर, बिकॉज आई कांट से, अरे तब तक आपने आज बेल मिल सकती है, आज बेल मिल सकती है वकील साहब, तब तक क्या जेल होगी, तब तक अगर इस कोर्ट के बाद जेल हो क्या, रुको यार फोन लाइन सुन लो, इन केस इफ he has been convicted for a period of more than 3 years then I don't think that there is any possibility. Sir, court में आज क्या क्या हुआ? जरा विस्तार से बताइए. Even by the sessions court. The co-accused have been let off. But why was Salman found guilty? Like what? Why? Why? Because there was ample evidence available on the record. Because of killing the two black bucks. Sir, we saw in Mumbai in hit and run case that Salman got the bail in just few minutes. Where is it also possible here in this case? Sir, I would just like to say I am not aware about the niceties of Bombay case, hit and run case. So I am not in a position to say. Is it possible for him to get the bail as soon as possible within few minutes if he is convicted for more than 3 years? Everything depends upon the strategy of his lawyers, because I am not representing him, I am representing only one of the accused named Dushyant Singh and he has been acquitted. Let's say the quantum of punishment is less than 3 years, can he walk out today? Sir, if it is less than 3 years, can he go today? रास्ता छोड़ दो, ऊपर करो रिवर्स करो और पड़ेगी एक ऊपर करो रिवर्स करो और पड़ेगी एक ऊपर करो रिवर्स करो और पड़ेगी एक Thank you.
हटो यार, दो मिनट भाइयों, दो मिनट। अरे इनको हटा यार, ले अंदर ले, सर बैठ। बस भैया बस। सरकंद साहब, अरे अजीत साहब, नहीं पता बैरिकेड रुका है मतलब यार। मैडम वेलकम। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। ऐसा क्यों लगता है आप पे, डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? वैसे इतने केस मेरे को कभी कन्विक्ट तो मैं आज तक हुआ नहीं ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाइए। जी वो मेरी बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप इतना डाउट क्यों है, आप तो इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये, बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी? नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं, मंशा नहीं है। जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे, अभी मंशा ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आप पे, डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? वैसे इतने केस मेरे को कभी कन्विक्ट तो मैं आज तक हुआ नहीं ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाइए। जी वो मेरी बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप इतना डाउट क्यों है, आप इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये, बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी? नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं, मंशा नहीं है। जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे, अभी मंशा ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आप पे, डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? वैसे इतने केस मेरे को कभी कन्विक्ट तो मैं आज तक हुआ नहीं ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाइए। जी वो मेरी बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप इतना डाउट क्यों है, आप इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये, बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी? नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं, मंशा नहीं है। जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे, अभी मंशा ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आप पे, डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? वैसे इतने केस मेरे को कभी कन्विक्ट तो मैं आज तक हुआ नहीं ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाइए। जी
मेरी बात हुई उनसे आपके वकील साहब से, मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आप इतना डाउट क्यों है, आप तो इतने बुखार हो। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मतलब पुलिस कस्टडी में इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं मंशा नहीं है, जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे, अभी मंशा ही नहीं है। सलमान भाई, हमने अदालत को ये बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने किस ढंग से हर स्टेज पर हर स्तर पर फर्जीवाड़ा किया, मैन्युपुलेशन किया। आज तो हमने जो वीडियोग्राफी के तहत गवाह पूनम चंद के बयान लिए गए उसको डिस्कस करते हुए बताया कि गवाह पूनम चंद जो बातें नहीं बोल रहा है वो बयानों में लिखी हुई है और जो बोला है वो लिखी हुई नहीं है और उसके नाम पते मन से लिखे हुए हैं और जब बयान गवाह ने समाप्त किए तब तक तो कागज़ खाली दिख रहा है। इसलिए हमने ये अदालत से निवेदन किया कि जब वीडियोग्राफी में पारदर्शिता आई है कि किस ढंग से एडिटिंग की गई, किस ढंग से मैन्युपुलेशन किया गया, इससे स्पष्ट साबित है कि सलमान खान को इस मुकदमे में इतना झूठा फंसाया गया है, गवाह पूनम चंद को फर्जी चश्मदीद गवाह के रूप में खड़ा किया गया है और ऐसी फर्जी कार्रवाई करने के लिए ऐसे अधिकारी को उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाने की कोई हिम्मत नहीं है। सर सलमान पेश हुए सर आज? हाँ, सलमान के खिलाफ मुकदमा पेश होना ही। अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई कल के लिए रखा है आज। अचानक नहीं होता, पेश ही थी ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला अदालत जोधपुर ग्रामीण श्री देवनारायण जी खत्री के यहाँ पर सलमान खान, सैफ अली, सोनाली तब्बू, नीलम हुसैन सिंह के द्वारा जो दो काले इनों का 2 अक्टूबर 1998 का जो आरोप है उसके अंतर्गत सलमान खान जो पहले अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह पार्टी के द्वारा अपना अभियोजन का पक्ष रख दिया गया था, तत्पश्चात अभी सलमान खान की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा बहस की जा रही है जिसके तहत सलमान खान के जो समक्ष मुख्य गवाह जो पूनम चंद आई विटनेस है उसके जो बयान दिए गए तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी ललित मोडर द्वारा उस संबंध में आज बहस की गई। उनके अधिवक्ता का एक तर्क था कि जिस तरह से वीडियोग्राफी करी हुई है उसमें जिस गवाह ने ये कहा है कि उनके बयान लगातार लिए गए उस संबंध में उन्होंने अपने तर्क पेश किए गए हैं। इस संबंध में अभियोजन अधिकारी के द्वारा पूर्व में ही अपने समर्थन में बयान दिए जा चुके, बताया जा चुका था कि सलमान खान की उपस्थिति में गवाह पूनम चंद के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, वो आज न्यायाधिपति द्वारा देखा भी गया जिस पर स्पष्ट रूप से गवाह पूनम चंद जो सलमान खान के ऊपर आरोप लगा रहा है उनके द्वारा जिस प्रकार वो आए, किस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया, किस प्रकार स्वीकार करके निकले और उन्होंने कैसे पीछा किया नज़दीक से, वो सारी बात उन्होंने बताई। इस तर्कों का खंडन सलमान खान के अधिवक्ता के द्वारा किया गया कि ये सही नहीं है जैसा अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण में लिखा नहीं, क्योंकि आज ये बहस रही परंतु रेफरेंस होने की वजह से न्यायालय समय अभाव होने की वजह से आज ये बहस पूर्ण नहीं हो पाई। आज न्यायालय में अभियुक्त सलमान खान स्वयं उपस्थित थे जिसके द्वारा जब ये रिपोर्टिंग की जा रही थी, क्योंकि आज पूर्व में इनको निर्देशित किया गया था जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ही अपना लैपटॉप लेके आए थे जिसमें वो सीडी जिसमें सलमान खान के उपस्थिति में गवाह पूनम चंद के बयान दर्ज किए गए थे उन बयानों को देव कुमार जी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उन्हें दिखाया गया, उनके तहत जो बयान रिकॉर्ड थे उनकी आवाज़ भी उन्हें सुनाई गई तथा जो तर्क और दे रहे थे जो इसी बात का आज निश्चित तौर पे जो एक 98 में अपराध किया गया था उनके अपराध के जो गवाह के उपस्थिति में लिए गए थे वो भी आज अभी देख रहा था, तो निश्चित तौर पे आज उनके बचाव पक्ष किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से गवाह धरा प्रभाव से बोल रहा था निश्चित तौर पे अभियुक्त उससे कहीं ना कहीं आज चेहरे पे उसके नमी दिख रही है। वकील साहब, पिछली लगातार पेशियों में ये हाजिरी माफी लेते रहे, आज अचानक पहुंचे, इसका क्या कारण है? कोई निजी प्रयोजन से आए थे या आज उनके वकील ने बुलाया था, कुछ आपके समझ में आया? निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते क्योंकि यदि कोई निजी प्रयोजन से आए और जोधपुर में उपस्थित है तो उन्हें यदि जोधपुर में उपस्थित है तो उन्हें हाजिरी माफी नहीं दी जाकर उसे न्यायालय में आना चाहिए क्योंकि न्यायालय में आने की पहली शर्त होती है और यदि उनके अधिवक्ता ने बोला तो ये इनका निजी मत है उसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, वही बता सकते। आगामी डेट अगली तारीख कल आगामी सुनवाई कल है, पुनः लगातार कल रखी गई है जिस पर पुनः जो अन्य गवाह मुख्य जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है ललित बोड़ा उसके संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा बहस की गई।